नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ पूरे भारत देश में 20 अप्रैल के बाद क्या क्या चीज़ खुलेंगी, कहाँ कहाँ पर हमको कोरोना से रियायत मिलेगा कार्य करने का, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल भूपेंद्र मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए स्टडी रिलेटेड और साथ ही साथ ऐसे न्यूज़ के वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कोरोना का भारत में स्थिति देख लेते हैं। अभी वर्तमान में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21 अप्रैल को 8:53 पर। तो अभी भारत देश में टोटल 19,961 कन्फर्म केसेस हैं, जिसमें से 15,419 केसेस अभी एक्टिव हैं, 3,901 लोगों का इलाज हो चुका है। और इस कोरोना वायरस के कारण अब तक भारत देश में 641 लोगों का निधन हो चुका है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, यहाँ पर 5,218 लोग कन्फर्म मिले हैं। और आज ही के दिन अर्थात 21 अप्रैल के दिन 552 लोग नए कोरोना प्रभावित कोरोना से ग्रसित लोग मिले हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों अभी टोटल तो 36 कन्फर्म केसेस हैं और 11 उसमें से एक्टिव हैं, 25 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। और अगर हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा से टोटल 28 लोग, रायपुर से 5, बिलासपुर से 1, एक आदमी दुर्ग से मिला है और 1 राजनांदगांव से मिले हैं। अभी हमारे यहाँ 17, 18, 19 और 20 पिछले 5 दिनों में 1 भी केस नया नहीं मिला है, ये हम लोग देख सकते हैं। आज 21 तारीख है, आज के दिन भी अब तक कोई भी नया केस नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ का जो सबसे कोरोना से पीड़ित राज्य है वो है हमारा कोरबा। 77.78% जो लोग हैं वो कोरबा से ही, कोरोना से जो ग्रसित लोग हैं वो हमारे कोरबा जिला के जो कटघोरा है वहाँ से हैं। बिलासपुर से 1 कन्फर्म केसेस मिला है दोस्तों, और हमारा रायपुर से 5 है। अगर हम लोग टोटल बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 28 ज़िले हैं, इन 28 ज़िलों में से जो 23 ज़िले हैं वहाँ पर कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है, और कोरबा सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग भूपेश बघेल जी ने जो हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है उसके बारे में, क्योंकि इस लेटर से हमको ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में आखिर भूपेश बघेल जी कहाँ कहाँ पर छूट देना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्होंने जो लेटर लिखा है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। इन्होंने इसका टॉपिक लिखा है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन तथा राज्य के सामान्य कामकाज के संचालन के लिए राज्य को आगामी 3 माह में केंद्र की ओर से कम 30,000 करोड़ की आर्थिक मदद मांगा है भूपेश बघेल जी ने। चलिए देखते हैं इन्होंने जो लेटर लिखा है, इस लेटर में क्या क्या चीजें को मेंशन किया गया है। सॉरी, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का क्या कंडीशन है इसको समझाने की कोशिश किया है। ये लिखते हैं कि राज्य में कोविड-19 के प्रकोप की स्थिति तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों से बेहतर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अदर राज्यों से तो हमारे छत्तीसगढ़ का कंडीशन बहुत अच्छा है। दिनांक 21 अप्रैल तक राज्य में कोविड-19 से 36 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 11 व्यक्तियों का उपचार जारी है तथा सभी की दशा सामान्य है। राज्य में प्रतिदिन लगभग 400 व्यक्तियों का टेस्ट किया जा रहा है, जो कि कम है। अभी जो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, उन्होंने कहा है कि 21,000 किट हमको जल्द से जल्द मिलने वाला है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रैपिड टेस्ट करेंगे, तो और ज़्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ में कंडीशन क्लियर हो पाएगा कि कितने टोटल हमारे यहाँ कोरोना से ग्रसित लोग हैं। पिछले 5 दिनों में अगर बात करें दोस्तों, तो कोई भी नया केस कोविड-19 का नहीं मिला है। राज्य के 28 जिलों में से 23 जिलों में अभी तक एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया है, जबकि 4 जिले जहां 8 संक्रमित मिले थे वहीं पिछले 3 सप्ताह में कोई प्रकरण सामने नहीं आया है, तथा एकमात्र जिले से 11 सक्रिय संक्रमित का इलाज चल रहा है, जो कि हमारे कोरबा जिले का है। ये इसके बारे में बात कर रही इन्होंने। अब उसके बाद फिर नीचे इन्होंने यही समझाया कि हाँ, लॉकडाउन जो था 21 मार्च 2020 से स्टार्ट हो गया था, इसके बारे में बताया। और इन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, हम तो 20 अप्रैल से 3 मई तक केवल अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित आर्थिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है हमारे
जैसे कि केंद्र ने जो कहा है, जो जो निर्देश दिए हैं, उसका पालन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। यही नीचे की लाइन में उन्होंने लिखा है अपने लेटर के, और आगे ये लिखते हैं कि आपसे अनुरोध है, मतलब कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे अनुरोध है कि राज्य को आगामी 3 माह में केंद्र की ओर से कम 30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए तत्काल जारी किए जाए, जिससे उद्योग व्यवसाय, सेवा क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता दी जा सके। आप सभी को मैं बता दूं कि मई महीने से ही भूपेश बघेल जी ने घोषणा कर दिया है कि जो धान का जो डिफरेंस मनी था वो दिया जाएगा, ठीक है। तो राज्य में कोविड-19 के प्रसार की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य को आंशिक राजस्व प्राप्ति से संबंधित निम्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की छूट तत्काल दी जाए। जैसे कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ों को छूट दिया जाने का है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मिठाई दुकान का संचालन, जिसमें दुग्ध उत्पादन, कृषकों का दुग्ध, मतलब जो किसान है या जो दूध बेचते हैं उनका दूध बेचने का काम वही स्टार्ट होगा। संपत्तियों के क्रय विक्रय की पंजीयन शुरू हो जाएगी, जैसे अगर आप लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका भी पंजीयन अब स्टार्ट हो जाएगा। वाहनों के शोरूम का संचालन एवं पंजीयन, शहरों के निर्माण कार्य का संचालन, ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए एयर कंडीशन, कूलर और फ्रिज के शोरूम का संचालन, जैसे कि गर्मी आ रहा है तो ये सारी की सारी चीज़ें का भी बिक्री जल्दी से जल्द शुरू हो जाएगा। समस्त प्रकार के रिपेयरिंग कार्य भी अभी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सभी ग्रीन जिलों के सभी प्रकार के रिटेल कार्य खोलना उचित होगा, मतलब जहाँ जहाँ पर कोई भी एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं वहाँ पर रिटेल कार्य को खोला जा सकता है। ये इन्होंने ओवरऑल अपने लेटर में लिखा है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आखिर हमारे देश में क्या क्या चीज़ों को खोला जाएगा, और साथ ही साथ वही चीज़ें, वही दुकानें हमारे छत्तीसगढ़ में भी खुलेगा, तो वो क्या क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों जो ये माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप लोग जा करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लॉकडाउन 2.0, 20 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की अनुमति हमको मिल जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या चीज़ है, जैसे कि अस्पताल है, नर्सिंग होम है, टेली मेडिसिन सुविधाएँ और चिकित्सा दुकान और औषधालय, ये सब खुल जाएगा। चिकित्सा से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें खुल जाएंगी, चाहे वो पशु चिकित्सालय हो या कोई मेडिकल स्टोर हो। विनिर्माण इकाइयाँ, चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। सभी चिकित्सा कंपनियाँ, वैज्ञानिक, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब तकनीकी का आवागमन भी ये सब अभी शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, कृषि संबंधी सेवाओं में 20 अप्रैल के बाद छूट मिल जाएगा। चाहे आप कृषि से रिलेटेड कोई भी चीज़ करें, चाहे उसको खरीदने का, बेचने का, उर्वरक से रिलेटेड कोई भी काम करें, ठीक है, और मत्स्य पालन की गतिविधि जैसे मुर्गी पालन और वाणिज्य, ये सारी चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी। अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ चाय, कॉफ़ी और रबर के बागानों की गतिविधि को भी अनुमति मिल गई है। साथ ही साथ दूध की आपूर्ति श्रृंखला, दुग्ध उत्पादन का वितरण व बिक्री समेत पशुपालन की गतिविधि, दूध रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब लॉकडाउन 2.0, 20 अप्रैल के बाद सार्वजनिक उपयोगिता की अनुमति है, जैसे शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत ऑनलाइन प्रशिक्षण सेवा शुरू होंगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर स्टडी हो रहा है तो वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा दिया जाएगा, ऑफलाइन शिक्षा नहीं दिया जाएगा बच्चों को बैठा करके। मनरेगा कार्य, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता, श्रमिकों को फेस मास्क का उपयोग करना होगा और सामाजिक दूरी रखनी होगी। अच्छा हाँ, ये भूपेश बघेल जी ने अपने लेटर में साफ मेंशन किया है ना, जो पीछे में है इनके, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है, राज्य शासन की ओर से सभी व्यक्तियों के मास्क पहनने, सोशल और फिजिकल डिस्टेंस को सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि मास्क, जो भी बंदा निकलेगा बाहर वो मास्क लगा करके ही निकलेगा। और एक चीज़ भूपेश बघेल जी का अच्छा लगता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलते हैं, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। ये यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से क्लियर भी किया है इन्होंने, सोशल स्लैश फिजिकल डिस्टेंसिंग को क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, और क्या क्या चीज़ को छूट मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ पूरे देश में। कार्यस्थलों के लिए दिशा निर्देश है दोस्तों, तापमान स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था किया जाएगा, सामाजिक दूरी के मापदंडों का पालन किया जाएगा, ठीक है। 2 शिफ्टों के बीच 1 घंटे का अंतराल रहेगा। आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे और 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को घर से काम करने की सलाह दी गई है। सभी संस्थान शिफ्ट के बीच अपने कार्यस्थल की सफाई सुनिश्चित करके करेंगे और बड़ी बैठकों पर प्रतिबंध है, मतलब हम लोग मीटिंग वोटिंग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए क्या क्या अनुमति मिला है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग,
एक्साइज और निर्यात उन्मुख इकाइयाँ, औद्योगिक स्टेट और औद्योगिक टाउनशिप, ठीक है, आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण इकाइयाँ, आईटी हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और जूट उद्योग, ये सबको छूट मिला हुआ है दोस्तों, यहाँ पर काम हो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कोयला और खनिज उत्पादन और तेल व गैस रिफाइनरी, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंटे भट्ठे का कार्य अब शुरू हो जाएगा। सड़क समेत सिंचाई परियोजना, नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना की निर्माण गतिविधियां, नगर पालिकाओं की निर्माण परियोजना, ये भी अब स्टार्ट हो जाएगा। 20 अप्रैल के बाद चुनिंदा व्यक्तियों को ही आवाजाही की अनुमति मिलेगी, और वो चुनिंदा व्यक्ति कौन है दोस्तों, एक तो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, और साथ ही साथ फोर व्हीलर के मामले में अगर आप फोर व्हीलर से यात्रा करते हैं तो आपके साथ एक ड्राइवर रहेगा, और ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट में मात्र मात्र एक व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। अगर आप टू व्हीलर से यात्रा करते हैं तो आपको जो चला रहा है केवल और केवल उसी को ही अनुमति मिला है, आप ये नहीं कि तीन चार लोग या दो लोग भी बैठ करके जाएं, ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लॉकडाउन 2.0 में हॉटस्पॉट के लिए दिशा निर्देश, अब यहाँ के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है हॉटस्पॉट जगहों के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के हॉटस्पॉट या क्लस्टर निर्धारित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय क्या करेगा, हर जगह पर हॉटस्पॉट का क्लस्टर बनाएगा। हॉटस्पॉट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे, तो कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, ठीक है। और ये मेनली अभी अगर किसी भी जिले में कुछ भी होना है तो पूरा का पूरा वहाँ के कलेक्टर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में है, वहाँ पर कहाँ पर क्या क्या चीज़ करना है। इन नियंत्रण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से दी गई छूट लागू नहीं होगी। जो जो छूटें दी गई हैं, जैसे कि चाहे वो दूध बेचने का चीज हो, ठीक है, कृषि से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा बहुत दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को वहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीज़ है वो सारा का सारा चीज़ कलेक्टर सर ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर क्या छूट दिया जाएगा। इन नियंत्रित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी अनियंत्रित आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ के लोग ना तो बाहर जाएंगे, ना ही तो कोई बाहर से आदमी यहाँ पर आएगा, ठीक है। लॉकडाउन 2.0 20 अप्रैल के बाद वित्तीय और सामाजिक सेवाओं की अनुमति मिलेगा, जैसे कि आप लोग चाहे बैंकिंग से हैं वहाँ से आपको छूट मिलेगा, ठीक है। और सामाजिक क्षेत्र में जैसे कि बात करें हम लोग, केयर होम और ऑब्जर्वेशन होम समेत बच्चों, दिव्यांगों और विधवा जो वृद्ध हैं इत्यादि के लिए घर, यहाँ पर छूट मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों, लॉकडाउन 2.0 20 अप्रैल के बाद कार्गो और आवश्यक वस्तुओं की अनुमति, ठीक है। अब ये कार्गो सेवाएं में क्या क्या चीज आता है, तो हवाई रेल, भूमि और समुद्री मार्गों द्वारा कार्गो, मतलब राजकीय और अंतरराजकीय का परिवहन, ठीक है। दो ड्राइवर और एक सहायक के साथ ढुलाई के वाहनों को अनुमति मिलेगा, ठीक है। डिलीवरी पिकअप के लिए खाली वाहन, ये आप लोग ले जा सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ आवश्यक सेवाएं क्या क्या है, तो आवश्यक सामानों की आपूर्ति श्रृंखला, जैसे कि विनिर्माण, थोक, खुदरा व्यापार, आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकान, गाड़ियाँ, ये आप लोग ले जा सकते हैं। अब बड़ी ईंट और मोटर भंडार, राजमार्गों पर ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानें, आवश्यक सेवाओं के लिए कर्मचारी, ठीक है, मतलब कि जैसे कि ढाबा हुआ जो है नेशनल हाईवे के आसपास, उन लोग खोल सकते हैं। अब आता है दोस्तों, क्या क्या चीज बंद रहेगा लॉकडाउन 2.0 में, मतलब 20 अप्रैल के बाद भी क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, तो ये बंद रहेगा दोस्तों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, ठीक है, यात्री ट्रेनें, बसें, मेट्रो, टैक्सी, सुरक्षा व चिकित्सा उद्देश्य को छोड़कर अंतर्राज्यीय परिवहन, मतलब अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ यात्रा कर रहे हैं तो वो चल जाएगा, लेकिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेगा, यात्री ट्रेनें बंद रहेंगी, बसें नहीं चलेंगी। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, आतिथ्य सेवाएं, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थाएं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या रहेंगी, बंद रहेगी। लेकिन हाँ, यदि आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार, पूल, मनोरंजन पार्क, असेंबली हॉल, ये सारी की सारी चीज़ें 3 मई तक बंद रहेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल परिसर, धार्मिक स्थान, संस्थाएं और अन्य जो भी सभाएं हैं, वो कोई भी चीज़ ऐसे हम लोग पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 3 मई तक। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा दोस्तों, जिससे उनको भी पता चल सके कि क्या क्या चीज़ हम लोग को 3 मई तक करना है और क्या क्या चीज़ों को 3 मई तक नहीं करना है। और एक चीज़ मैं आप सभी से पूछता हूँ कि क्या आप सभी को लगता है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,
ये मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि 3 मई के बाद भी क्या लॉकडाउन बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।